सामने यार, हिलाओ मत। अगर ये मैंने निर्णय लिया तो सोच समझ के लिया, इसलिए कि आज जो मुझे कांग्रेस में लगता था कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो एक रिकग्निशन होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट और एक संवाद, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के साथ वो संवादहीनता थी। और आज हमारे जैसे देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश में, आज इसलिए हम सार्वजनिक जीवन में आए कि विकास हो, गुड गवर्नेंस हो, आज कम से कम ग्रोथ रेट बढ़े, जो 10 करोड़ मतदाता पिछले चुनाव से इस बार बढ़ा है उनको रोजगार मिले। मैं समझता हूँ आज एक देश का जो करोड़ों युवा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के बदलाव की बाट जो रहा है। कांग्रेस में आपने कहा कि संवादहीनता बन गई थी, इस वजह से आपने बीजेपी को चुना है या फिर बीजेपी की रणनीति और मोदी की रणनीति वो आपको ज़्यादा रास आई? नहीं, आप देखिए कि जो आज देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो फैसला और जो समर्थन होता है जनता के द्वारा होता है। आज जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं था, उस नॉर्थ ईस्ट हो, अरुणाचल हो, मेघालय हो, यहाँ तक साउथ हो, वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात का एक डेवलपमेंट का रोल है, मॉडल रोल, वो लोगों को एक प्रभावित कर रहा है और लोगों को उम्मीद कर रहा है कि देश में कर चलेगा। डुमरियागंज से सीट खाली रह गई है, क्या चुनाव आप लड़ेंगे डुमरियागंज से? हमारी पार्टी की इलेक्शन कमेटी तो पार्टी इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी कि पाल साहब चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में संवाददाता बन गई तो लोकतंत्र की कमी नजर आ रही थी।